नमस्ते साहब। नमस्ते, कौन है आप? वो मुझे दूध वाला हरी ने भेजा आपके पास। वो बोल रहा था कि आपके यहाँ काम वाली चाहिए थी। हाँ, हरी को मैंने एक बार बोला था, लेकिन इतनी जल्दी तो मुझे नौकरानी नहीं चाहिए था। वो क्या है ना साहब, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं सोची आपके पास मैं पहले ही चली जाऊं, क्या पता आप पहले ही मुझे काम पे रख लो। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन ये बताओ क्या लोगी क्या दोगी? मतलब साहब, मेरा मतलब है कैसा सर्विस दोगी, तुम्हें क्या क्या आता है, कौन कौन सा काम जानती हो? साहब मुझे सारा काम आता है, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, तो जी इससे पहले कहाँ काम करती थी? साहब, इससे पहले आपके बगल में ही काम करती थी। अच्छा, तो कितना पैसा लोगी ये बताओ, पैसा मुझे कितना देना होगा? साहब वही 10,000। 10,000? ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ? साहब पहले मैं जहाँ काम करती थी ना, वो मुझे 12 देते थे, बट हरी ने बोला कि वो आपका पहचान वाला है तो अब अच्छा 10 अच्छा ही अच्छा देते। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, और मेरे घर में देख लो काम भी ज्यादा नहीं है। लेकिन साहब काम तो काम होता है ना, टाइम तो वही लगता है। हाँ, ये भी सही कह रही हो तुम। देखो, किचन पीछे ही है, उसके पीछे हॉल भी है, बाथरूम भी है इधर। मैं काम देख धाम देख लो, और सब मुझे अच्छा साफ सुथरा काम चाहिए, ठीक है? जी साहब। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बेडरूम में तब तक आके झाड़ू लगा लो, जी साहब ठीक है उसके बाद पोछा भी मार लो, ठीक ठीक है है? साहब। जाओ तुम। क्या मस्त नौकरानी है यार, साले इसके लिए तो मैं 20,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो 15 मांगती तो मैं 20 देता, अब 12 मांगी है तो 15 तो जरूर दूंगा, लेकिन काम की है बंदी, साले ऐसे मटक मटक के जा रही थी, हाय हाय दिल घायल करके गई। साहब हाँ, आज का सारा काम हो गया है, अब मैं घर जाऊं। अरे वाह, इतना जल्दी जी साहब। खाना बन गया? हाँ जी, खाना वाना सब बन गया, और कपड़े लगते सब धो लिए सब सब हो गया। और पोछा उछा भी मार लिए? जी सब हो गया, अरे वाह, तुम्हारा सर्विस तो बहुत फास्ट है। अब मैं घर जाऊं। ठीक है, कल टाइम पे आ जाना। जाओ। जी ओके। क्या फटाफट काम निपटाती है यार, बहुत फास्ट है ये तो। बसंती,
मैं जब से तुम्हें देखा हूँ दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है मेरी। तू मेरी जान बन गई है। तुम्हारा एक एक खुशबू मेरे दिलो दिमाग में छाया रहता है। मैं पागल हो गया हूँ बसंती, एक पल का भी मुझे चैन नहीं मिलता तुम्हारे बिना। भगवान तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाया है। मुझे तो लगता है बसंती तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। तो मैं तुझे हीरे सोने चांदी जवाहरात से लाद देता, पैसों से तौल देता बसंती। तुझे इस तरह से नौकरानी नहीं बनना पड़ता, मैं अपने घर की महारानी बना के रखता, पल पल तेरा ख्याल रखता, तुझे रोज सुबह दूध से नहलाता कि तेरी खूबसूरती और बढ़ जाती बसंती। बसंती क्या बताऊं, मेरे दिल पे काबू नहीं रह गया है, एक पल का भी चैन मुझे नहीं मिलता बसंती। तुम मेरी बन जाओ, मेरे बाहों में आ जाओ, मैं तुझे सजा के रखूं। आ जाओ मेरे बाहों में आ जाओ, एक बार सिर्फ मेरे बाहों में आ जाओ, फिर देखो बसंती कितना मजा आएगा। आ जाओ बसंती आ जाओ, मैं बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बसंती, एक बार आ जाओ बसंती। तुम आ गई बसंती, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं मालिक, अगर यकीन नहीं होता है तो मुझे छू के देख लीजिए। हाँ बसंती, तो सचमुच मेरी बाहों में हो। हाँ तू आ गई। हाँ बसंती, साहब ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? आपने मेरी इज्जत लूट ली, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को, क्या बोलूंगी उससे? बसंती ये तुम क्या कह रही हो? जो भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है ना? क्या हम दोनों की मर्जी से हुआ? हाँ बसंती। अरे आप नशे में धुत थे, आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया है और आप बोल रहे हो कि हम दोनों की मर्जी से हुआ है। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं क्या करूंगी, मैं बर्बाद हो गई। देखो देखो बसंती, पहले रोना बंद करो, सुनो। मैं रोने तो क्या करूं? बसंती सुनो मेरी बात तो सुनो। देखो हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ना? प्यार? यह हवस को आप प्यार कहते हैं? अपनी हवस मिटाने के लिए आपने मुझे यूज किया और आप बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ बसंती, ये हवस नहीं है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं पुलिस में जाऊंगी। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, छुए मत मुझे। नहीं बसंती ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बसंती, जो हम लोगों में हुआ वो हो गया, ठीक है। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे ये बताओ, कुछ ले दे के खत्म करते है ना? क्या आप मेरी इज्जत को पैसे के साथ तोल रहे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत को पैसे से नहीं तोल रहा, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ बसंती। बोलो। ठीक है, पर आप मेरे हेल्प करना ही चाहते हैं? हाँ। मेरे पति हमेशा बीमार रहते हैं। अच्छा। उनके इलाज के लिए मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, क्या दे सकते हैं? ठीक है बसंती, तुम एक मिनट बैठो, मैं आ रहा। पूरे 1,00,000 रुपया, अब तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा ना? अब तुम घर चलो। नहीं साहब, अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, घर साफ भी करना है, तो मैं घर साफ सफाई करके चली जाऊँ। ठीक है, कल कर लेना। अब आराम कीजिए। ठीक, कर लो।
हेलो, एक और नया मुर्गा हाथ लग गया है। बेचारा, उसको नौकरानी की जरूरत थी। मैं आगे नौकरानी बन के उसे लूटने के लिए, और वो मेरे हुस्न के जाल में और मीठी मीठी बातों में फंस गया। आज तो उसे 1,00,000 रुपए मैंने लूट ही लिया। अब धीरे धीरे और भी लूट लेंगे और हम ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे। सुनो, अब मुझे कॉल मत करना। जब भी करूंगी मैं ही तुम्हें कॉल करूंगी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो और तुम ही ये सब प्लान कर रहे हो। ठीक है? आ गई? जी साहब। ठीक है, जाओ काम कर लो। साहब आप कुछ थके हुए ऐसे लग रहे हैं। आइए मैं आपके पैर। अरे नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं साहब। अरे छोड़ दीजिए। अरे रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर साहब मुझे अच्छा लग रहा है ना आपका पैर दबाते हुए। साहब ये तो मेरा काम है और मैं पैसा इसी चीज का तो लेती हूँ, इसी काम का। अरे वाह, बड़े उच्च विचार है तुम्हारे। घर का काम भी करती हो, मालिक की सेवा भी करती हो। ये सर्विस तुम्हारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कल का सर्विस तो माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो सब वो सर्विस आपको आज भी चाहिए? तुम चाहो तो। क्या विचार है तुम्हारा? ठीक है, अगर आप कहते हो तो। ठीक है, आ जाओ। सचमुच ऊपर वाले ने तुम्हें फ्री मोड से, फ्री टाइम सिर्फ संडे को ही बनाया होगा। साहब। हाँ। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो ना जाने में, क्या कहना चाहती हो? वो जो कल आपने मुझे पैसा दिया था ना। हाँ। वो कम पड़ गया और डॉक्टर ने बोला है कि मेरे पति का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो अच्छा तो उसके लिए 2,00,000 रुपए की जरूरत है। 2,00,000? जी साहब। ठीक है साहब, दे दीजिए ना, उसके बदले में मैं आपको कल से भी अच्छा सर्विस दूंगी। अच्छा जी, ऐसा क्या करोगी? कुछ तूफानी करने वाली हो क्या? जी, पर आप पहले मुझे पैसा दे दीजिए। ठीक है, मैं पैसा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, 2,00,000 रुपया लेके आइए। पुलिस? हाँ पुलिस, मिस नौकरानी। जो खेल मेरे साथ तुम खेल रही हो ना, वो मैं 10 साल की उम्र से ही खेल रहा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बनाने चली थी? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बेवकूफ नौकरानी, पैसा ऐंठती है। और इस काम में सिर्फ यही नहीं, इसका पति भी शामिल है। धोखे से पहले किसी भी इंसान के घर में जाती है नौकरानी बनके, उससे पैसा ऐंठने का काम करती है और उन्हें अपने प्यार और हुस्न के जाल में फंसाती है। ये है इसका चरित्र और कर्म। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए और लॉकअप में डाल दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं तो एक गरीब औरत हूँ, अपने पेट पालने के लिए लोगों के घर घर में जाकर काम करती हूँ, और ये इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। बस करिए, बहुत हुई आपकी होशियारी, हमें आप जैसे लोगों की ही तलाश होती है। आप जैसे लोग अपने हुस्न का जादू दिखा के ऐसे भोले वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हेंकते रहते हैं। अब आपकी होशियारी ज्यादा नहीं चलेगी। और सुनो, तुम क्या समझती हो मेरी आंखें बंद है? उस दिन बालकोनी में जाके तू अपने पति से मुझे बकरा कह रही थी ना, कि एक नया नया बकरा मिला है, 1,00,000 रुपया लूट रही हूँ। हाँ, वो सारी बातें मैंने सुन ली थी।
तुम क्या समझती हो, सिर्फ तुम्हारे पास अकल है? इंस्पेक्टर साहब, ये और रहेगी यहाँ पे तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। लेके जाइए, चलिए गिरफ्तार कीजिए इसे और इसके घर पे जाकर इसके पति को भी उठाइए, ताकि दोबारा ये औरत किसी भी इंसान के घर में जाके ये नौकरानी का ढोंग ना रखे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा। अब ये हाथ लगी है तो इसका पति भी हाथ लगी जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर, मुझे आप पे भरोसा है, लेके जाइए इसको। चलिए मैडम, चलिए। सर, नौकरानी, वाह, महारानी बनने का ख्वाब देख रही थी, आज इसे पता चलेगा कि किसके चक्कर में पड़ी है।